फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ आज नमकीन काजू मठरी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा सा फ्लेवर डालूँगी इसमें। तो हम यहाँ पर ले लिए हैं 2 कटोरी मैदा। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। हमारा 4 चम्मच तेल हो गया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। अब हल्के तो इसमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा और इस पर आटा तैयार कर लेना है। इसका डो हमको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा एकदम नरम भी नहीं करना है। तो इसका पहले हम आटा का डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमको इसी तरह इस आटा का डो तैयार कर लेना है। ज़्यादा नरम नहीं है ना ज़्यादा टाइट नहीं है हमको। तो हम इसे 10 मिनट इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको हम 10 मिनट ढक के रख देते हैं। पहले 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसका लोई तोड़ लेते हैं। इसको बेल लेंगे। अगर हमारा आटा चिपकने लगे तो इसमें थोड़ा सा आप आटा डाल के, सूखे आटा डाल के इसको बेल सकते हैं। हमको इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको 1/2 इंच के इतना रखना है। हमको इतना मोटा रखना है ताकि हमारा काजू का शेप अच्छे से बनेगा। अब काजू शेप देने के लिए हमें चाहिए इस तरह का ढक्कन होगा। आपके घर में दवाई का ढक्कन रहता है बच्चों का, या इस तरह का चम्मच होगा, या आपके पास छोटा सा गिलास होगा उसमें आप काजू का शेप दे सकते हैं। तो हमें इस ढक्कन से हम काट रहे हैं। तो पहले हमको आटा में ऐसे इस ढक्कन को थोड़ा सेक कर लेना है। अब इसको काजू का शेप करेंगे इस तरह से। हमको पहला बार तो थोड़ा इस तरह से बनता है, हमारा दूसरी बार जो काजू का आकार देंगे वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा इस तरह से। देखिए, मैं दिखा रही हूँ एक और इस तरह से। तो हमको सारी ऐसी काजू का शेप में हम काट लेंगे। बहुत ही आसानी से कट रहा है। अगर चिपकने लगे तो थोड़ा सा आटा में को ढक्कन को डुबा देना है, उसके बाद हम काजू का शेप देंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छे शेप बन रहा है। तो अब काजू का शेप देंगे पहले आटे को। मैं सारे अपने काजू मठरी है उसको तैयार कर ली हूँ। बहुत ही अच्छे शेप बना है और तेल चढ़ा दी हूँ। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। कुछ सारे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको तल लेंगे। अब इसको गोल्डन होते तक तल लेंगे। अच्छे से गोल्डन हो गया है ये। इस तरह से हमको गोल्डन होते तक ही पकाना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके ही इसको पका लेना है ताकि हमारा जो काजू मठरी है अंदर से भी अच्छे से पके गए। तो हमें इस तरह से सारे काजू मठरी बना के तैयार कर लेते हैं पहले। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं सारे मठरी इस तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। मठरी भी बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक इसमें डाल देते हैं एक बॉल में। ये कितना खस्ता बन रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो हम इसमें चटपटा सा फ्लेवर डालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच सेंधा नमक,
मेरे पास काली मिर्च पाउडर नहीं था, तो 8-10 काली मिर्च को मैं अच्छे से पीस के डाल रही हूँ इसमें। आपके पास पाउडर है तो आधा चम्मच आप पाउडर ले लिए काली मिर्च का। एक चम्मच हमको चाट मसाला लेना है। इसमें अच्छे से कलर लाने के लिए हमको चाहिए आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और तीखा पसंद है तो आधा चम्मच हमको लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है। अब इसको हमको सारे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ऐसे हमारा काजू मठरी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छे चटपटा स्वाद में हमारा काजू मठरी तैयार है। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, और घर में आप कभी भी अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ इंजॉय करिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।